हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज ई साउंड वॉवल्स। ओके, वॉवल्स कितने होते हैं? मैंने आपको पहले बताया है अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, वॉवल्स फाइव होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आई वॉवल्स। आई वॉवल्स के शॉर्ट साउंड वर्ड्स एंड लॉन्ग साउंड वर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि शॉर्ट वॉवल्स क्या होते हैं एंड लॉन्ग वॉवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर मेंटेन कर दिए हैं वर्ड्स, उनको मैं आपको रीड करना बताऊंगी और उनको आइडेंटिफाई आप करेंगे कि शॉर्ट वॉवल्स क्या होते हैं और लॉन्ग वॉवल्स क्या होते हैं आई से रिलेटेड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वॉवल्स, शॉर्ट आई वॉवल साउंड, लॉन्ग आई वॉवल साउंड। ओके, तो शॉर्ट में क्या होता है, हमें कोई भी वर्ड खींच के झटके से बोलना है, कोई भी चीज। ई की मात्रा जैसे कैसे बोलते हैं हम, छोटी ई की मात्रा होती है दिल। ठीक है, और अगर बड़ी ई की मात्रा हम यूज करेंगे तो कैसे बोलेंगे, दीपावली। जो चीज हम खींच कर बोलते हैं वो लॉन्ग हो जाता है और जो हम झटके से बोलते हैं वो शॉर्ट में हो जाता है। ओके, यही सेम चीज इंग्लिश में होती है। ठीक है, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं उसी तरीके से सेम इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। तो ये क्या है, शॉर्ट आई वॉवल्स वर्ड साउंड। ठीक है, ये देखिए, एस आई टी सिट, क्या है, एस आई टी शिट, झटके से बोला है हमने, हम इसका सी खींच के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जो वो रॉन्ग हो जाएगा। अभी क्या है, ये शॉर्ट है तो हम इसको किस तरीके से बोलेंगे, एस आई टी शिट, एच आई टी हिट, एल आई टी लिप। ठीक है, देख रहे हैं आप साउंड कैसे निकल रहा है, झटके से साउंड निकल रहा है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बोलकर इनको रीड करिए मेरे साथ, तो आपको ये बोलना आएगा कि, और आपको मालूम पड़ेगा कि ये आई साउंड वॉवल्स हैं शॉर्ट वाले। ओके, के आई डी किट, बी आई जी बिग, बी आई एन बिल, टी आई एन टिन, एफ आई टी फिट, टी एच आई एन थिन, सी एच आई एन चिन, टी आई पी टिक, आर आई एन रिन, एस के आई एन स्किन, एस आई एस सिक्स, पी आई सी के पिक। देखा आपने सारा साउंड कैसे निकल रहा है, एक झटके से साउंड आ रहा है, एक झटके से साउंड आ रहा है, इसलिए क्या हुए, शॉर्ट आई वॉवल्स साउंड। ओके, ये वॉवल्स का आई का शॉर्ट साउंड है जो हमने झटके से बोला है। अब लॉन्ग आई वॉवल साउंड मतलब इसमें क्या है, जो हमारे वर्ड्स आएंगे, जो हमारा साउंड निकलेगा वो खींच कर निकलेगा। ओके, बी आई के ई बाइक, हम बाइक को बाइक इस टाइप से नहीं बोल सकते हैं, हमें कैसे बोलना पड़ेगा, बी आई के ई बाइक। ओके, बाइक, एल आई के ई लाइक, एस आई डी ई साइड। देखा आपने कैसे हमारा आ रहा है साउंड, खींच कर आ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से आपको इनको रीड करना है, एफ आई डी ई फाइव, एस एम आई एल ई स्माइल, के आई डी काइट, डब्ल्यू एच आई डी ई वाइट, डब्ल्यू आर आई डी ई राइट, एच आई जी एच हाई, एच आई जी एच हाई, एफ एल आई जी एस टी फ्लाइट, एफ एल आई जी एस टी फ्लाइट, एन आई जी एस टी नाइट, सी एच आई एल डी चाइल्ड, सी एच आई एल डी चाइल्ड, एल आई एन ई लाइन, टी आई एन ई टाइम, एफ आई एन ई फाइन। ओके, इसी तरीके से आपको इनको क्या है, बार बार रीड करना है। ठीक है, और नोटबुक में नोट डाउन करके, नोट डाउन करना है, आप बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग में प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको क्या है, ये इनकी स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी, और अगर आप उनको बोलेंगे, स्पीक करेंगे, तो आपको इनका मालूम पड़ेगा, डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से वर्ड यूज हुए हैं। शॉर्ट में हमें झटके से बोलना है और लॉन्ग में हमें वर्ड्स को खींच के बोलना है। ओके, अगर आपको मेरे इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।